कांकेर जिले से 150 किलोमीटर दूरी पर बसा परालकोट क्षेत्र का एकमात्र महाविद्यालय है, जो हमेशा से विद्यार्थियों की जांच मांगों को लेकर सुर्खियों में रहता है। वही महाविद्यालय में बीते कई सालों से न कोई प्रधान अध्यापक है और हमेशा से शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं, जिसकी नाराजगी विद्यार्थियों में हमेशा देखी जाती है। वहीं अब महाविद्यालय में परिचय पत्र विद्यार्थियों में बांटा गया, जिस पर हस्ताक्षर महाविद्यालय के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी का है, जिससे सभी बच्चों में एक सवाल बना हुआ है, जो अभी राजनीतिक मुद्दा बनता देखा जा रहा है, जिस पर भाजपा नेता शंकर सरकार द्वारा बताया गया कि यहाँ जो इस प्रकार का किया जा रहा है जो निंदनीय है। वहीं कांग्रेसी नेता अभिजीत भट्टाचार्य का कहना है कि ऐसा अगर हुआ है तो जल्द ही इस पर सुधार कर कार्यवाही की जाएगी। वहीं कॉलेज में प्रधान अध्यापक का भी व्यवस्था किया जाएगा। बच्चों की शिकायत आ रही है, जहाँ पे उनके जो आई कार्ड है उस पर वित्तीय चतुर्वर्त के कर्मचारी जिसके द्वारा सिग्नेचर किया गया है, जिसका वो लोग विरोध कर रहे हैं। आप कॉलेज के अध्यक्ष हैं, किस इस प्रकार का अनियमितता बरती जा रही है, क्या जानकारी? मेरे संज्ञान में भी ये बातें आई है। अब इसी 20 तारीख को सोमवार को मैं वहां का कार्यभार संभालूंगा। कार्यभार संभालते ही सबसे पहले मैं इसी पे कार्रवाई करूंगा और प्रिंसिपल से भी पूछूंगा और अपने विधायक जी से भी पूछूंगा और इसके लिए मैं उच्च अधिकारी से भी शिकायत करूंगा। आयंदा इस प्रकार का निंदनीय कार्य ना हो, कॉलेज में बहुत एक अच्छा वातावरण बने, कॉलेज के बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें, उसके लिए मैं प्रयास करूंगा। एक बात और है कि कॉलेज में कई सालों से एक प्रिंसिपल की कमी है, जहां प्रिंसिपल नहीं है, लोगों की बहुत उम्मीदें हैं आपसे, किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी आगे? प्रिंसिपल के लिए भी मैं शिक्षा मंत्री से भी मिलूंगा, उच्च शिक्षा मंत्री से मिलूंगा और उनको विधायक जी के माध्यम से अवगत भी करवाऊंगा। मुझे लगता है कि इसका भी निराकरण हो जाएगा। एक महत्वपूर्ण बात सामने आ रही है, जहां पे आईडी जो कार्ड है उसमें कॉलेज के भित्तीय द्वारा सिग्नेचर किया गया, क्या जानकारी इसमें? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण कृत्य है, अगर चतुर्थ श्रेणी किसी कर्मचारी द्वारा बच्चों का आइडेंटिटी कार्ड में अगर साइन कराया जा रहा है तो निंदनीय है। इस प्रकार के कृत्य होना नहीं चाहिए। यहाँ जो जिम्मेदार पद में आसीन है, ऐसे लोगों को आइडेंटिटी कार्ड जैसा महत्वपूर्ण दस्तावेज में हस्ताक्षर करना चाहिए। इस प्रकार के जो कृत्य हुआ है इस महाविद्यालय में, जिसकी निंदा हम युवा मोर्चा पूर्ण रूप से करते हैं और गुर्जर इस प्रकार के कार्य का विरोध भी करते हैं। आने वाले समय पे इस पर क्या निराकरण होना चाहिए? देखिए, इससे पहले मेरे द्वारा पिछले 7 दिन पहले ही यहाँ कॉलेज का इलेक्शन करने तो आया गया था, क्योंकि यहाँ पर जो शौचालय है काफी दयनीय स्थिति में है, गंदगी चारों ओर पसरा हुआ है, इसको लेकर यहाँ के जो प्रभारी प्रिंसिपल है उनसे मेरा फोन पर संपर्क हुआ था और 7 दिन का समय भी दिया था कि 7 दिन के भीतर उन्होंने इस प्रकार का कार्य करेंगे, मगर आज तक वो कार्य भी अपूर्ण है। इसके बीच अभी एक नया मामला जो सामने आया है, जो बच्चों का जो आइडेंटिटी कार्ड है उस पर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी साइन कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये गलत है और ये लापरवाह है और इस प्रकार के जो लापरवाही इस महाविद्यालय में लगातार चले आ रहा है और जिसका आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। आज हम युवा मोर्चा ये इन सभी बच्चों को आश्वस्त कराते हैं कि इन बच्चों के साथ किसी भी प्रकार की जो अन्याय है होने नहीं दिया जाएगा और युवा मोर्चा जो सड़क की लड़ाई लड़ेंगे बच्चों के लिए। कौन सा क्लास? आपके पास आईडी कार्ड है? आई कार्ड में सिग्नेचर किसने किया? कौन है ये, क्या पद है उनका? कॉलेज के स्वीपर है। तो आप लोगों ने, आपको अच्छा लगता है कि आपके कार्ड में ऐसे वित्तीय सिग्नेचर किए हैं? नहीं, तो अच्छा नहीं लगता है, तो लाइब्रेरी में बैठते होंगे तो उनसे तो सिग्नेचर कराना होगा। आप आपके कॉलेज में महाविद्यालय में प्रोफेसर पूरे हैं? प्रोफेसर प्रिंसिपल? पखांजूर से विप्लव कुंडू की रिपोर्ट।